रमन जी स्वागत आप सभी का चर्चा 24 स्पोर्ट्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप प्रजापति और हमारे साथ है राहुल खेंची जी। आज आपको रूबरू कराने वाले हम हरियाणा की एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपना नाम हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में फैलाया है। हरियाणा में नहीं खेले, पंजाब में भी खेले हैं और अपने नाम को लेकर और अपने हरियाणा को लेकर अपने खेल को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत करी है और अपना नाम जमका है। तो हमारे साथ मौजूद है मेला बलबेटा जी। तो इनके बारे में आप सभी जानते हैं, आप सभी दर्शक जानते हैं कितने बेहतरीन खिलाड़ी है और अपने खेल के प्रदर्शन से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो सर सबसे पहले पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, आपने खेल की शुरुआत करी कब की और किन को आदर्श मान के आपने खेल की शुरुआत करी? आज से 12-13 साल पहले 2007-08 की बात है। उस टाइम मैंने अपना खेल गेम शुरू किया था। मेरे जो गांव के सीनियर प्लेयर थे, राजा था, सुरेश कोच थे, किशोर पुराने प्लेयर थे, मेरे जो सीनियर प्लेयर आप भी खेलते हैं राजा मुंडा, उन सबके साथ मैंने 32 किलो से अपना खेलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे 62 किलो, 7 किलो, 62 किलो, 80-85 ओपन, फिर उसके बाद हर ओपन खेलो। जी आपने खेल की शुरुआत करी, बहुत सारे जब कोई आदमी किसी चीज़ की शुरुआत करता है तो बीच में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी परेशानी आती है। हम चाहते हैं आप भी अपने उन परेशानियों को बताएं ताकि हम आने वाले जो खिलाड़ी है वो उन चुनौतियों का सामना करके आगे पहुंच सके। जब मैंने गेम की शुरुआत की, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम पढ़ाई का वहाँ जोर था, मैं घर के चाहता था भाई गेम की तरफ ना जाकर मैं मन में अच्छे नंबरों से पास हो, एक नौकरी करें, परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था, थोड़ा आधार बड्डी बनी हो गया तो बढ़ता रिश्क बढ़े गया। तो मैं पढ़ाई भी मैंने बी ए तक करी, लेकिन साथ साथ मैंने अपना गेम चालू रखा और आज आपके सामने। तो मैं लबल बेटा जी आपके परिवार के बारे में जान लिया, आपके परिवार में कौन है, कौन क्या करता है, थोड़ा उनके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताए। मेरे एक भाई है, माता पिता, मेरी पत्नी है, मेरे दो बच्चे हैं। अच्छा जी, परिवार में और भी कोई खिलाड़ी है या सिर्फ आप ही हो? मैं तो फिलहाल तो मैं ही। पढ़ाई कर ले, लेकिन जब कुछ अच्छा बीत गया पता लग गया बाहर के लोगों को, बाहर के लोग कहने लगे तुम्हारा छोरा बढ़िया खेलता है, तो उसके अंदर करप्ट को सपोर्ट किया। जो अपने फ्रेंड है जिंदर अपना जो कैप्चर है अपना छोटा भाई है, उसने अपना मारा देगा बहुत मुझे साथ दिया। विक्रम है जो अपना पुराना प्लेयर था, वो भी उसने बहुत मुझे साथ दिया। मैंने काम का कोई प्लेयर उसने अपना साथ ना दिया, सारा गाँव वासी ना प्लेयर है ना, सबने बहुत अच्छा साथ दिया। आपने खेल की शुरुआत की, गाँव वालों ने भी आपको साथ दिया। हरियाणा के आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहे? मैं पहले जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहा हूँ, फिर उसके बाद जो मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप किया उसमें एक साल तक खिताब भी उससे खेले हैं। जो पिछले साल मैच हुए थे उसमें जब मैं अभी उससे खेल के फर्स्ट आए, 3-4 साल हो गए अपनी टीम फर्स्ट आती है। अच्छा आप मतलब कैथल डिस्ट्रिक्ट से अलग खेल? हाँ, जब अच्छे एक रूल बना रहे सरकार में, एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर 9 प्लेयर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के खेल सकते हैं। अच्छा जी, उसमें मैं, रवि, विनय, रिंकू, मोटा, कौर, पेडल, बिल्ला, हम सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा तो पहलवान जी, आप कबड्डी में अपना गुरु किसको मानते हैं? तो गुरु तो नहीं कह सकता मैं, मान लेती हूँ अपने जो पुराने प्लेयर हैं, जो सुरेश कोच है, मैंने वो पहले खेलते थे, उन्होंने भी छत्रछाया में खेल कर बड़े हुए, मेरा राजा पहलवान है, हमारे सीनियर प्लेयर है, उन्होंने छत्रछाया में खेल कर बड़े हुए। तो मतलब आपने अपने अभ्यास को ही अपना गुरु बना लिया है। अच्छा पहलवान जी,
तो पहलवान जी आजकल आप कैसी प्रैक्टिस चल रही है आपकी, क्योंकि हमारा सीजन है वो शायद, वैसे तो हम सब जानते हैं बीमारी फैली हुई है, लेकिन हो सकता है सीजन जल्दी स्टार्ट हो, उस सीजन की आपकी कैसी तैयारी चल रही है? सुबह शाम दो टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी झिझक तो जरूर है, मैंने मैच शुरू हो गया नहीं हो गए, लेकिन हम प्रॉपर डाइट खा कर मैंने प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं कि अपने शरीर को मेंटेन करके रखना है, मैंने खेलो या आगे जाके मेरा उसके लिए फुल तैयारी है, बजे ध्यान कर। पहलवान जी आपने डाइट की बात करी, आज हरियाणा के अंदर स्थिति ऐसी है जितने भी खिलाड़ी हम किसी भी गेम की बात करो जिसमें जान लगती है, उस गेम के अंदर नशे का प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, कितना उचित है खेल के लिए? मैंने ज़्यादातर तो इन बातों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर अपलोड के तौर पर भी कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं भी मानने कबड्डी में नशा ठीक है, लगातार खेलते हैं कबड्डी, मैं कबड्डी की बात नहीं, मैं सभी गेमों की बात करूँ, नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई, अगर सबसे पहले अपनी लाइफ होती है इंसान की, अगर आदमी का स्वास्थ्य ठीक होगा, लाइफ बढ़िया होगी, तभी आदमी को गेम कर सकता है, उसमें तरक्की कर सकता है, इसलिए नशे की तरफ ना जाकर अपनी मेहनत में विश्वास रखें, थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आदमी को तरक्की नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, वो कामयाबी एक अलग ही कामयाबी होगी जो अपनी मेहनत के दम पर आदमी अच्छा। पहलवान जी तो क्या आपने कभी नेशनल या यूनिवर्सिटी लेवल के या स्कूली लेवल पे गेम खेले हैं, उनके बारे में बताएं? मैं हाल ही यूनिवर्सिटी जो रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद है उसी की तरफ से 2018 में हाल ही यूनिवर्सिटी में खेले मैं, और उसके बाद में जो पिछले साल थे एशिया में अपने मैच हुए जो पाकिस्तान में हुआ था एशिया कप, एशिया कप हाँ, उसमें मैं इंडिया टीम की तरफ से खेला था, जो हमारे कोच है राजेश कैरो जी उनकी बदौलत मैंने उसमें खेलने का मौका मिला जी, और मैंने अपना जोर दिखाए देश के लिए खेलते हुए, मैंने बहुत गर्व महसूस हुआ। तो उस समय जब आप उस खेल रहे थे तो इंडिया की स्थिति कैसी रही थी? इंडिया स्टैंड बाई दो नंबरों से लास्ट में आगे लूज कर गया, हमारे कुछ प्लेयर जैसे यादा सूरतपुर जिला बड़े पंडिया कुछ कारण बस मैंने थोड़ा पहुँच नहीं सके थे, उसमें कुछ टिक में कुछ वो गहरा नहीं, जब भी अपनी टीम ने एक बढ़िया मैच दिखाया, फाइनल मैच बहुत तगड़ा मैच लगा था, लेकिन सेकंड पोजिशन में हार गई। तो पहलवान जी एक स्थिति हरियाणा के अंदर आज के समय में बहुत बुरी होती जा रही है, सर्कल कबड्डी दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है, इसके ऊपर आप किसको दोष दोगे? कुछ तो इसमें दोष प्लेयरों का भी है, क्योंकि इस जो हमारी सर्कल कबड्डी है उसमें मतलब डिसिप्लिन नाम की कोई खास चीज नहीं है, जिस गेम में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कभी तरक्की नहीं कर सकता, अगर हमें मैं खेल कबड्डी को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो हमें इसमें थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, एक दूसरे का मान सम्मान करना पड़ेगा, और हमारी दरख्वास्त है जो खेल कमेटी है उनसे भी, जो हमारे प्रमोटर है उनसे भी, कि खेल को एक बढ़िया तरीके से करवाया जाए, एक नियम के हिसाब से करवाया जाए, एक उच्च लेवल के लिए जाने के लिए कबड्डी के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। पहलवान जी आपने बोला कि ना सीनियरों की इज्जत करनी चाहिए, तो ये शुरुआत कहाँ से होगी? नीचे से शुरुआत होगी ऊपर तक जाएगी, जब हम जो हमारे सीनियर है, मैंने मेरे को खेलते हुए भी 14-15 साल हो गए, मैं भी अब तो मैं सिंपी में आ गया, लेकिन जो मेरे से बड़े हैं मैं उनका सबका आदर करता हूँ, वो देख के मेरा आदर भी बहुत प्लेयर करता है, जो मेरे से छोटे हैं जो रहने के बढ़िया प्लेयर है, अपने सबके साथ एक अच्छा भाईचारा है, एक अच्छी हुआ। तो पहलवान जी जैसे कि हम जब भी कोई चीज शुरू करते हैं तो हमारा कोई आदर्श खिलाड़ी होता है, आपका आदर्श खिलाड़ी कौन थे पहलवान जी, गांव से बाहर जो आपको बहुत अच्छे लगते थे? गांव से बाहर जो अब मेरे में तो है, जो अपने जिन जान का खेलता है, जैसे मोटा सोंगा था भाई, मनीष मानपुरा है, जो कैचरों में जो एक अच्छे खिलाड़ी है, मैंने सिरे से लास्ट तक खुद के दम पे एक जीत दिलाने का वो करते हैं, ना कि भाई एक दो मैच में जोर लगाने के, अब जो रेडर है भाई पुराने रेडर थे मैंने जैसे टीटा भी है, दोनों भी बड़ा भाई मेरा भी दे रहा है, रिंकू खरेटी है, जीने है भाई, बहुत से प्लेयर है भाई, मैंने जो बढ़िया प्लेयर भी है अभी तक, मैंने बढ़िया रहना उनका नाम भी है, लेवल भी है, तो बढ़िया प्लेयर है, मैं उनको देख कर मैं तो बढ़िया बढ़िया। पहलवान जी एक बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा के सामने, 2016-17 के बाद महला एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि हरियाणा में नहीं दिखा, वो कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ चले गया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। 2017 के बाद में
लास्ट में जो दिसंबर 10वें महीने बाद शायद 5 या 7 तारीख अपनी टीम उस तक उस टेन तक 11-12 मुकाबले कर ली थी और सबसे ज़्यादा अपन जीते 11-12 अपन जीत रहे दोस्तों। तो मेरे उस टाइम लिगामेंट में थोड़ी चोट लगी थी, वो देखो लिगामेंट टूट गया, उसकी वजह से थोड़ा टीम में वो हो गया, बिगड़ गया डिसिप्लिन सर टीम का, इस करके एक साल में इंजरी की वजह से खेल सका। जी जी टोटल वन जी मतलब अपनी टीम की जी को छेड़ दिया, तो जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल आपकी टीम जैसे पहले इकट्ठा होकर खेलती थी, अब कुछ और ही समीकरण हमें हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं, या तो आपकी टीम भरती नहीं है या फिर भरती है तो आपके खिलाड़ी कहीं और खेलते मिलते, इसका मेन कारण क्या है वन जी? जैसे गाँव में होता है कुछ स्वार्थी तत्वों की वजह से टीम में थोड़ी सी कोट आ गई थी, लेकिन पिछले साल 10-11 टूर्नामेंट में इकट्ठे खेले और 10-11 जीत गए थे, और अब की बार भी रहना गए जो हमारे दर्शक हम के लिए सरप्राइज की बात होगी, हम इकट्ठा खेल कर एक बढ़िया मैच दिखाने की कोशिश करेंगे, जितना बढ़िया खेला गया बढ़िया टीम बारिश टीम उतारेंगे ग्राउंड। तो क्या पहलवान जी अब की बार आपकी पूरी टीम ग्राउंड पर उतरेगी? हाँ भाई, हमारी पूरी टीम जिसमें बिल्ला भी शामिल होगा जरूर कोशिश करेंगे, पुराने मतभेद भुला कर आगे पब्लिक का ध्यान रखते हुए बढ़िया मैच दिखाने की कोशिश करेंगे, हमें इकट्ठे करने की कोशिश। तो ये हरियाणा के दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बलपेड़ा गांव के दो शेर दोबारा फिर इकट्ठे हो रहे हैं मैदान में और आप सभी को एक अच्छा खेल दिखाने के लिए। तो पहलवान जी बहुत सारी बातें घूम के आती है हरियाणा के अंदर कि ना महिला बलबेड़ा हरियाणा छोड़ के भाग गया, ऐसी कुछ सुनने में आती है कई बार? नहीं नहीं, छोड़ने के तो कहाँ जाएंगे, यही अपने जन्मभूमि में यही रहना बना। गेम की बात है भाई, जब इंजरी हो जाती है तो रेस्ट भी जरूरी है, अगर आप जब धर्म में मैंने प्रॉपर रेस्ट कराया फिर प्रॉपर मेहनत करी जो 2 साल से जीसा मेरे पर जोर लग गया तो बढ़िया मैच दिखाने की कोशिश करी है पब्लिक का और आगे भी एक बढ़िया मैच दिखाने की कोशिश करी है। तो पहलवान जी अब तक के आपके विदेशी टूर कितने हो चुके हैं? फिर मैं पिछले साल जो 2019 में तो मलेशिया की धरती पर सुरेश कोच के माध्यम से जाने का मौका मिला, 2020 के अंदर जो फरवरी में रहा अपना एशिया कप वर्ल्ड कप उसमें इंडिया की टीम की तरफ से खेलने हैं, उसमें राजेश कैरव जी की तरफ से मैंने के उससे हमें खेलने का मौका मिला। तो आपने दो बार मतलब बाहर गए वहाँ? दो बार इंडिया से बाहर। तो पहले जी हरियाणा और पंजाब की कबड्डी में क्या उतार चढ़ाव है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है? देखो हरियाणा और पंजाब की कबड्डी तो एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा जो पंजाब के प्लेयर हैं उनके पास प्रमोटर है जो बाहर है, वो बाहर उनको बुलाते भी हैं, बाहर गेम भी करवाते हैं, जिस करके पंजाबी कबड्डी थोड़ी ऊंची मान जाती है हमारी कबड्डी से। लेकिन ये बात नहीं है कि रैणा कबड्डी भी सही नहीं है, रैणा कबड्डी भी बढ़िया कबड्डी है, दर्शक बहुत प्यार करते हैं, ये अपना ग्रामीण खेल है, दर्शक इसको बिल्कुल एक अच्छी तरह से देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं प्लेयरों को भी। लेकिन मान सम्मान की बात आए तो थोड़ा पंजाब में जाना होता है और रैणा में थोड़ा कम होता है, लेकिन रैणा कबड्डी भी बेहतर कबड्डी। तो पहलवान जी जैसा कि मतलब आप हर खिलाड़ी लगभग अपने गांव की टीम में तो खेलता ही है, उसके अलावा वो बाहर की टीम में भी खेलता है, आप बाहर किस किस टीम के लिए खेलते हैं? जब अपनी टीम नहीं थी तो मैं 2 साल चोड़े की टीम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन गया मेरा, अगर चोड़क हाँ तो मैं सोंगड़े की टीम में भी खेले भाई, धनौरी बी की टीम में साल डेढ़ साल उसमें भी खेले भाई, 1 साल बंतानी टीम में भी, और जिस भी मैंने सारे रहना अपने मित्र हैं रिंकू का के साथ भी खेले, वो सारे प्लेयर से तकरीबन मैंने मैच लगाए हैं। तो पहलवान जी आपको इनमें से सबसे ज़्यादा मजा किस टीम के साथ खेलने में आता है? भाई आपने जितने जिस टीम में भी आपने खेलना है उसको आप अपने घर की टीम मान के चलते हैं जी, पहलवान जी जिसके साथ आपका मतलब अच्छा लगाव बना बहुत ज़्यादा, जैसे दमतैन की टीम थी भाई उस तरह भी अपना बहुत दिल मिला, बहुत नए छेड़ थे अपना मित्र है बल्कि दमतैन नया लड़का बिल्कुल, जब गोरख की टीम थी उनके साथ भी अपना बढ़िया बनना जाना, धनौरी बी की टीम थी जिसमें नाम भी धनौरी है मुझे अपना खास मित्र है उनके साथ बहुत बढ़िया। तो पहलवान जी मतलब ये तो आपने बता दिया कौन सी टीम में खेलना पसंद है, ये बताओ पहलवान जी कि कौन सी टीम के साथ आपको खेलना पसंद आया कि मतलब हाँ अब ये टीम आ गई अब मजा आएगा मैच का, मतलब बिल्कुल आपका अपने अपोजिट की बात कर रहे हैं, अपने अपोजिट जैसे धनौरी की टीम थी आज से कई साल पहला हमारे साथ मुझे बढ़िया मैच लगते थे वो हमें हरा देते थे, लेकिन जब से हमारी टीम बढ़िया बैलेंस पर आई
तुम्हारा बहुत बहुत धनोजी को दे रहा है, लेकिन जब भी धनोजी साथ तुम्हारा मैच होता था एक अलग ही उमंग होती थी शरीर में कि धनोजी साथ मैच है, एक बड़ा अच्छा फील होता था। आप जीत अपनी जगह है, एक सिक्के दो बने, कभी वो जीतते कभी हम जीतते, लेकिन ये बात नहीं, जब भी धनोजी साथ मैच आता उस शरीर में एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती थी। तो बलवान जी, जैसे कि हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा कोई ना कोई मैच होता है जो उसके लिए बिल्कुल यादगार हो, मतलब उसकी मन की चाही होगी उस मैच में, आपका ऐसा कोई मैच है, मतलब कुछ दो चार मैचों के बारे में बताए जिनमें बिल्कुल आपके बारे खुशी आई हो, आपके परिवार खुशी हो, पूरे गांव में। आज से चार पाँच साल पहले जो बैड मैच थे हमारे, बिल्कुल ग्रांड का मैच थे, लेकिन हमारी टीम इतनी तकलीफ थी जितनी तकलीफ ओवर टीम आई हुई थी जी, लेकिन फिर भी उस टाइम में गोली भी 10-8 किलो 5-5 किलो वजन आई थी, लेकिन हमने फिर भी सारी टीम वगैरह आते हुए फाइनल में जगह बनाई और अपने गांव का पूरा गौरव बढ़ाया। वांडे के वास्ते बहुत सारे बच्चे लोग मेरी बहुत अच्छा फील हुआ, मैंने जो लुजवाना कला मैच थे वहाँ मेरे को गोल्ड भी दिया गया, मान दिया गया था। उससे पहले मैं वहाँ पर बेस्ट असर आया, हमें मैंने मोटरसाइकिल जीता था, सबसे पहले मैंने कनड़ी गाँव में मोटरसाइकिल जीता था। अच्छा तो पहलवान जी, अब तक आपने कितनी मोटरसाइकिल बताओ प्राइज जीत चुके हैं? 7 मैंने मोटरसाइकिल जीते भाई, एक मोटरसाइकिल मेरा मान सम्मान हुआ है, 5 एलईडी है और अनेकों बार में मैं कैश प्राइज में कमुंद्री मन में परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है जी। तो पहलवान जी, आपको जैसे कि कोई भी खिलाड़ी है वो 5, 10, या 15, 20 साल तक ही कबड्डी अधमार के खेल सकता है, उसके आगे की भी उसकी जिंदगी होती है, तो क्या आपको कभी नौकरी वगैरह का आश्वासन मिला किसी नेता से? नहीं, मैं फिलहाल तो अभी तक तो किसी ने कोई नौकरी का आश्वासन नहीं है, अभी तक गेमिंग की तरफ जाना है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। बलवान जी, आप कोई नौकरी करना चाहेंगे अगर सरकार नहीं, सरकार अगर नौकरी देगी तो देगी तो सरकार, तो सभी प्लेयर चाहते हैं, अगर जिस भी प्लेयर के पास नौकरी है वो थोड़ा कंफर्टेबल होकर खेलता है, उसकी लाइफ थोड़ी सेट हो जाती है, तो बढ़िया मेहनत करके उसका प्रॉपर ध्यान कर गेम की तरफ रह जाता है। राहुल जी, आप जानते हो किसी भी खिलाड़ी का कोई ना कोई पसंद खिलाड़ी होता है, वो कैचर हो या फिर वो रेडर हो, तो आपका बेस्ट जो आपका जो नए खिलाड़ी है उनमें सबसे बेस्ट रेडर कौन सा आपको लगता है? बेस्ट रेडर जैसे मेरा भी दे रहा है आपने बता, और हमें पता चला आपकी मोटा सुंगल के साथ बहुत बनती भी है। बलवान जी, वो पिछले 1-1.5 साल से तो बिल्कुल इस सीजन तो दिखाई नहीं दिए, वो क्या कारण है? वो दिखाई नहीं दे, थोड़ी तो इंजरी होगी थी, थोड़ी सी परिवार के चलते थोड़ी प्रॉब्लम होने कारण मैंने न्यास करने के लिए उसके गेम को सभी रहनेवासियों ने बहुत मिस किया, और तो सारे प्लेयर भी और सारी पब्लिक भी चाहते हैं अगले साल मोटा वही मोटा बन गया जो उस टाइम होता था। तो बलवान जी, मतलब कि हमारे प्लेयर होते थे और अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे और उभरते हुए बहुत स्टार प्लेयर थे, तो आज हमारे बीच नहीं हुए, पहले तो हम उनको नमन करते भाई सैनी बादल जो आज हमारे बीच नहीं रहे और बिल्कुल युवा स्टार, बिल्कुल टेक्निकल कैचर थे। बलवान जी, आप उनके बारे में दो शब्द बोलिए। जो सैनी बादल था वो अपना एक छोटे भाई बैट्समैन था, हमारे नजदीकी गांव बाघ से था, एक गरीब परिवार से संबंध रखता था और एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल और अच्छा इंसान भी था। कबड्डी कुछ ही टीम में उसने कबड्डी में अपना एक अलग नाम बना लिया था, तो बैगल की टीम के लिए उसने बहुत बढ़िया बढ़िया मुकाबले भी खेले हैं, लेकिन कुछ मैंने अपने परिवार की उसकी वजह से या कोई और हादसे की वजह से उम्र रिचार्ज नहीं है, इस चीज़ का सारे रहना के प्लेयरों को भी और पब्लिक को भी उसको बहुत मिस कर रहे हैं भाई को। तो बलवान जी, तो क्या उसके बाद इस साल बागल की टीम खेलेगी या फिर बलवान जी के गुजरने के बाद? वैसे तो उनको बहुत सारा जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता वो घाटा हुआ है, लेकिन पिछले साल भी बागल की टीम मिस हुई, मैं बहुत मिस कर रहा था, मैं सोच रहा था अगली बार बागल की टीम बहुत तगड़ी हो गया है, लेकिन भाई भगवान का जो मंजूर था वो हो गया। तो बलवान जी, क्या टीम में दोबारा कुछ हौसला है या सारी टीम ही उनके दुख में? जो सारी बागल का झटका टीम को लगा है उसकी बर्बादी तो शायद वो सारी उम्र ना कर सके, लेकिन हमें जो हो गया फिर भी अगे अपना तो उत्ती की तरफ उतार बढ़ाना चाहिए, उन्हें संगठित होगा फिर बोले गेम लगाने लगे तो बहुत बढ़िया टीम है। अब की बार का बिल्कुल फिट है
कुछ और नए टैक्चर हो जाए तो बढ़िया टीम मैनेजमेंट टीम के जरूर। कल वंशी बैटर की बात होगी थी, जो आपको ज्यादा पसंद आता है कैचर मोटा सुंगल, जिसे अपना जब छोटा बढ़िया कैचर लगता है मोटा सुंगल मनीष मानपुरा जो मैंने अपना दम पे एक बढ़िया कबड्डी खेली है। पहलवान जी कोई एक ऐसा मैच बताइए, मतलब पूरा मैच को डिस्क्राइब करके बताइए जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो, मतलब जो मैच आपके लिए यादगार हो कि हाँ भाई वो मैच मैच ही था पूरा कुछ ऐसा मैच। 2017 की बात है, शायद कनाडा मैच हो रहे थे, कनाडा मैच हमारा गंडली के साथ मैच था, गंडली में लाल गेंद लिया पीटा दिनों हो गए तो हमारे टीम के अंदर दो की चोट मारी टू घंटे और कृष्ण सिंह था तो बहुत तगड़ा मैच लगा था, उस वजह से मैच लगा जिसमें मैंने अकेले ने पांच कैच लगा था अपना लास्ट कैच मार कर मैच गिर गया था, वो एक मैच सर मैच है जो सारी जिंदगी याद रहा था मेरी पब्लिक का भी हमारा। और बलवंत जी कोई ऐसी टूर्नामेंट जो आपके लिए बहुत खास हो और बहुत आपके दिल से ताना होगी मैच या टूर्नामेंट मेरे को ये टाइटल जीतना ही जीतना है लेकिन वो आप जीतते जीतते मतलब पार हो गए उससे। 2015 बैगन का टूर्नामेंट था वो बहुत तगड़ा टूर्नामेंट था, पहले तो हमें ऐसी नहीं थी कि हम फाइनल तक पहुँच जाएंगे, सारा हरियाणा है सारा पंजाबी बहुत बढ़िया टीम बहुत बारिश में आए हुए थे लेकिन फिर भी हमने बहुत संघर्ष किया, परमात्मा ने हमारा साथ दिया, हम फाइनल तक पहुँच गए थे। उस टाइम मोटरसाइकिल कहीं कहीं होते थे, हमने तीन चार कैच लगाए मोटरसाइकिल बिल्कुल दौड़ में था लेकिन लास्ट एंड में जाकर एक कैच से मैं पिछड़ गया तो उस टाइम मैंने बहुत ऐसा लगा कि उससे पहले भी कुछ दिन पहले पंजाब में टूर्नामेंट थे सीढ़ी गाँव में मैंने फाइनल में छह कैच लगा के भी मोटरसाइकिल खो दिया था, दूसरा प्लेयर ने भी छह कैच लगाई थी लेकिन उसने 10 पॉइंट में छह कैच लगाई थी तो मैंने 11 टचों में छह कैच लगाई थी, चीज मैंने आज तक भी याद है। पहलवान जी हरियाणा कबड्डी को देख के जो कबड्डी करवाती है कमेटियाँ है या फिर सरकार है उनको किस प्रकार से हरियाणा की इस कबड्डी में और बदलाव करने चाहिए ताकि वो उभर के आए? हरियाणा की जो कमेटी है उनसे तो अपील है बिल्कुल कि निष्पक्ष तो टूर्नामेंट कराया जाए, एक ही दिन में टूर्नामेंट कराया जाए, जो खिलाड़ी प्रॉपर टाइम पर नहीं आता उसको बेसिक सरकार कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसे प्लेयरों की कमेटी को कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पर शुरू करो प्रॉपर टाइम पर खत्म कर दो उसको ताकि जो अपने दर्शक भाई हैं वो भी मैचों का पूरा आनंद लेकर अपने घर जा सके टीम से दिन ना बताएं। तो बलवान जी जैसा कि हम ये सवाल कमेटी के आगे उठाते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है बलवान जी कि ये खिलाड़ी टाइम पर ही नहीं आते हम कैसे टाइम पर मैच स्टार्ट कराएंगे, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे क्योंकि वो बोलते हैं स्टार टीम 5 बजे आ गए। बलवान जी दूसरी बात क्या होती है जब भी हम किसी पुराने खिलाड़ी से बात करते हैं वो एक ही बात कहते हैं भाई ये जो रात के मैच होते हैं इस कारण हरियाणा में मैच मतलब कबड्डी लुप्त होती जा रही है, ऐसा भी कुछ कारण है क्या? मैं देखो जैसे मैच शुरू हो गए जो स्टार टीम है वैसे तो कोई भी टीम हो जी बड़ा है तो टूर्नामेंट में अगर कमेटी डिसीजन लेती है वो हमें बाहर करने का, हाँ जी प्लेयर सारे कमेटी के लिए एक से होने चाहिए चाहे कोई छोटी टीम है कोई बड़ी टीम है, अगर प्रॉपर टाइम से शुरू हो गए तो प्रॉपर टाइम पर खत्म भी हो गए वो मैच तो सुबह जा कर सही टाइम पर अगले प्लेयर दूसरी टीम में जगह जा सकेगा, अगर एक ही दिन के मैच होते हैं जैसे 4 बजे सुबह मैच खत्म होते हैं तो आते आते 6 बज जाते हैं सुबह के आके रेस्ट भी करता है प्रॉपर प्लेयर बिल्कुल तो वही टाइम जाएगा 4 बजे, अगर मान लो 10 बजे 9 बजे खत्म हो जाते हैं तो 10-11 बजे तक घर आके मान लो 8-9 बजे तक सो के और सही टाइम पर जा सकते हैं। तो बलवान जी मतलब जैसे कि कबड्डी है अपने उसमें पूरा कबड्डी परिवार है, आप बहुत सारे हरियाणा में अलग अलग जगह पे खेलते हो, आपको कोई सबसे अच्छी कमेटी के बारे में बताए कि हाँ भाई वहाँ की कमेटी मतलब अच्छे रास्ते पे चल रही कबड्डी की तरक्की की ओर लेकर, कोई हरियाणा में 1-2-3 जो भी आपको अच्छी अच्छी कमेटी लगी उनके बारे में बताओ। मैं जैसे कमेटी का कई नामों की बढ़िया जैसे बहुत पुरानी कमेटी है होगी लेकिन वो प्लेयर को मान सम्मान भी पूरा देते हैं लेकिन उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि दिन बढ़ा देते हैं, हाँ, 2-3 दिन के दो दिन के करा के तो 3 दिन में पहुंच जाते हैं, ये कमेंट भी चलते रहते हैं कि ये टेस्ट खंडा खेड़ी की कमेटी है गेम तो बजे कराते हैं लेकिन वही 3-4 दिन प्राइज बहुत देते हैं प्लेयर को 12-13 फुल देते हैं लेकिन 3-4 दिन बढ़ा देते हैं, इस करके नहीं कमेटी में बहुत बात रही जो पत्थर जिले में खेले होते हैं आज तक जो मेरे गाँव में खेलो या बाहर खेलो एयरगेट किन्न हो पीड़न हो या पत्थर जिले के जितने लोग गांव में डोर हो या प्योड़ हो
वो कब आप कितने टूर्नामेंट उठा के देख लो आज से कई साल लगातार तक एक भी टूर्नामेंट में अगले दिन नहीं हुआ, जो एक ही दिन का टूर्नामेंट है तो एक ही दिन होता है। गर्मी का मौसम होता है, नौ महीने से मैच शुरू हो जाते हैं, गर्मी के दिन बहुत बढ़िया मैच होते हैं। और बलवंत जी आपको कोई हरियाणा का ऑफिशियल मतलब नाम तो आना चाहिए ना, जो मतलब बहुत अच्छे से काम करते हैं उनका फैसला, वैसे तो भगवान नहीं होता रेफरी भाई, लेकिन मतलब वो दिल से कभी भी गलत फैसला नहीं देते, पहले प्री प्लान वो फैसला नहीं देते कि मेरे को ये गलत देना है। जो पैनल अपने जो मतलब राजेश कैरव जी हैं, दिलबाग जी हैं, अजय बख्शी जी हैं, जिनके फैसले पर हर प्लेयर को चाहे वो फैसला गलत है ठीक है, लेकिन प्लेयर को ये नहीं रहता कि हमेशा ये रहता है कि तेरी कुछ ना कुछ कमी होगी, मतलब किसे बिल्कुल सही फैसला आया हुआ है। पहलवान जी, जिस प्रकार का हरियाणा सरकार ने सर्कल कबड्डी को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया है, उसके साथ बहुत सारे गेम भी किए हैं, तो क्या लगता है इससे सर्कल कबड्डी निकलेगी या फिर लुप्त होते हो जाएगी? नहीं, मैं जो सर्कल कबड्डी जो पहले स्कूलों से होकर चली थी जी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई थी, जिसमें बच्चों को डिप्लोमे मिलते थे, प्राइज भी मिलते थे, कहीं ना कहीं बाहर होने का कबड्डी का बहुत तगड़ा धोखा लग गया इस चीज़ का। अगर कबड्डी उसके अंदर होती कोई ना कोई मतलब नौकरी नौकरी का प्रोग्राम भी बच्चा करता है। बलवान जी, कोई ऐसा तरीका है हम उसको दोबारा उसमें ला सकते हैं उसके भाई? अगर हम अपने कबड्डी में थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखेंगे और सभी भाई आप मिलजुल कर कमेंटेटर भी हैं इसमें, रेफरी भी हैं, प्लेयर भी, सब बिल्कुल संघर्ष करेंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ इसकी तरफ अच्छाई की तरफ चले जाने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल पहलवान जी, अपने इस चर्चा को खत्म करेंगे। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जो नए उभरते खिलाड़ी है उनको अपने खेल में कैसे बदलाव लाना चाहिए और उनको आगे खेल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? सबसे पहले तो भाई अगर कबड्डी में बढ़िया प्लेयर बनना है तो डिसिप्लिन में रहना सीखना पड़ेगा जी, डिसिप्लिन में खाना सीखना पड़ेगा, प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर मेहनत करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट की तरफ ना जाए, स्टूडेंट की तरफ ना जाए, बिल्कुल थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप लंबे खेलोगे, अधिक दिनों तक खेलोगे बगैर इंजरी के। अगर हम शॉर्टकट की तरफ जाएँ तो उससे इंजरी भी हो सकती है या हमें हमारी बॉडी को कुछ और नुकसान हो सकते हैं जी। इस तरह के मैंने अपनी मेहनत पर विश्वास रखे और दो टाइम मेहनत करते रहे तो जरूर कबड्डी में इतनी तरक्की हासिल होगी। तो धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ मैं लबल बेड़ा जी। दोस्तों, इन्होंने बताया कि एक खिलाड़ी को, जो उभरते खिलाड़ी है उनको अपने खेल में बदलाव लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऐसे ही आप सभी से रूबरू कराते रहेंगे शख्सियतों से, तो तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।